नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जो रिपीटिंग भिन्न होती है, पुनरावृत्त भिन्न होती है, उसके बारे में बताना जा रहा हूं। जो जैसे मान लीजिए लिखा है 10.33333333, ऐसे लिखा होता है, यहाँ जीरो लगा लीजिए, ये डॉट 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 ऐसे जाता है, या इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, इसको बार चिन्ह बोलते हैं। इसको जो हल करते हैं हम लोग, कैसे हल करते हैं, हल करने का तरीका इसका है, ये देखिए 3 है, ऊपर 3 लिख लीजिए, बटे जितने पे रिपीटिंग है, जितने पे बार लगा है, एक अंक पे बार लगा है तो 1.9 लिख दीजिए, हो गया आंसर आपका। काटेंगे 1/3 हो जाएगा, 1/3 का मतलब इसको काटते रहिए। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। कैसे, अब देखिए, अगर हम x की वैल्यू मान लीजिए 0.3333 ऐसे मान लें, ये देखिए दशमलव के बाद 3 लगा है, एक अंक पे है, ठीक, एक अंक के बाद रिपीट हो जा रहा है। अगर ये 2 अंक, तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे, इसमें कितना करेंगे 10 का गुणा करेंगे, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 3.33333 ऐसे डट 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 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 9x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/9 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, जो x माना था, क्या माना था, यही तो माना था। अब देखिए, अगर कहें यहाँ पे 5 है, 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी x की जो वैल्यू है, चलिए देखते हैं इसको, अभी देखते हैं, यहाँ पे 0.35 बार है, इसका मतलब ये हुआ, इस संख्या का मतलब हुआ 0.353535 ऐसे ऐसे, यानी संख्या जो है 3-5 पे रिपीट करती जा रही है। तब इसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे जिसको x मान लिया जाए, इसमें 100 ऑफ x का गुणा करेंगे, क्यों, 2 अंकों का करेंगे, यानी 2 अंकों के बाद रिपीट हो रही है, तब इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35.35 ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। और इसको देखिए 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा, 99x यानी 35 हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 35/99, x की वैल्यू 35/99। हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वही हम बता रहे हैं। संख्या क्या है, 0.35 है, 0.35 है, तो हम इसको 35 लिख लेंगे ऊपर। अब देखिए 2 अंकों के ऊपर रिपीट कर रही है तो 2.9 लगा दीजिए, सिर्फ एक लाइन में हल करेंगे इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 10.35 रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम क्या करते 10+35/99 कर देते, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का देखते हैं क्या होता है। अगर लिखा है 2.56 बार, क्या है 2.56 बार, इसको हम हल करेंगे, ऐसे हल करेंगे 2+56/, ये देखिए 56 है, 2 अंकों के ऊपर है तो 2.99 लगा देंगे, यानी 2 सही 56/99 हो गया, ठीक है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए 3 सही 1/2 लिखा है तो इसको हम 3+1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 × 6 = 7/2, 3+1 यानी इसकी वैल्यू 3 × 6 = 7/2 हो गया, 7/2 को काटेंगे कितना हो गया 3.5, या ये क्या है 3.5 ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें। चलिए थोड़ा सा दूसरे टाइप का देखते हैं। ये क्वेश्चन है 0.0234, 234 पे बार लगा है, इसका मतलब हुआ संख्या क्या है 0.0
दो तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार, ऐसे डॉट 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 चली जाएगी। यानी इसका मतलब हुआ इस तरह से, दो तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार, यही जो रिपीट हो रही है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर बार लग जा रहा है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम लोग। हल करने का तरीका हमने बताया, ये देखिए दो तीन चार, यहाँ पे जीरो लगा है, जीरो भी लिख लेते ठीक है। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना घटाएंगे, जिस पे बार नहीं लगा है, जिस पे बार नहीं लगा है, बार नहीं लगा है जीरो बटे एक दो तीन, के ऊपर बार लगा है तो तीन ठे नौ लिखिए, एक दो तीन ठे नौ लिखिए, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे जीरो लिखिए, हो गया 234 बटे 99, 99 जीरो। देखिए 9 से कट जाएगा, 4 3 7 2 9, ऊपर का अंकों का योग कितना है 9, 9 से कट जाएगा, नीचे तो ऑलरेडी कटा जाएगा। चलो काटते हैं, 9 दूनी 18, 5 9 6 54, 1 1 0, 26 बटे 1110, 2 3 13 2 6 26, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 13 बटे 555, आंसर कितना हो गया, अभी नहीं कटेगा, अभी नहीं कटेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। ये संख्या लिखी गई है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है, रिपीटिंग नंबर है 36, रिपीटिंग नंबर है 36, इसको सिर्फ एक लाइन में कैसे लिखेंगे, पहले बात पूरी संख्या लिख लेंगे, 1 2 6 36 माइनस करेंगे, ठीक, माइनस क्या करेंगे, जो रिपीट नहीं हो रही है, तो 1 2 6 रिपीट नहीं हो रही है, 1 2 6 रिपीट नहीं हो रही है, इसको इसमें से घटा देंगे, पूरी संख्या में से, अगर इस प्रकार की कोई संख्या हो, पूरी संख्या में से जो रिपीट नहीं हो रही है तो 1 2 6 रिपीट नहीं, इसको हम घटा देंगे, बटे दो रिपीट हो रही है, एक दो, तो दो ठे नौ लगाएंगे ठीक, एक दो तीन ठे रिपीट नहीं हो रही है तो उतना जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, बस हल हो गया, 6 6 0, 3 में से 2 1, और 6 में से 5 12, 9 9 0 0 0, ये तो ही कट ही गया, 5 1 6 2 8 1 9, 9 से काटते हैं इसको, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 3, 9 2 18, 9 3 27, 9 9 27, 3 5 3 8, 9 9 81, 139 बटे 1100, 139 बटे 11, 9 3 12 1 13, 11 2 9 22, 11 1 कम 11, इसके बाद नहीं कट, यानी ये हमारा आंसर हो गया 139 बटे 1100, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था, वो छोटा सा वीडियो है, और ये जो रिपीटिंग नंबर से ये क्वेश्चन तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता है, तो अगर आए, अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आए तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा, रिपीटिंग नंबर जो क्वेश्चन है इसी तरह इसको हल करते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।